ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेत्परं वसुदेवसुतं देवं तं शचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं विष्णं वन्दे जगद्गुरुं विष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राम नाम बोलो हरि नाम बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। अल्लाह मालिक ईसा नानक। जो राष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो। ये नाम सारे जीवन सहारे। परमानंद के खुलते हैं द्वारे। अल्लाह जो नाम चाहो नाम बोलो। प्रेम से बोलो भाव से बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राम नाम बोलो हरि नाम बोलो। राम नाम बोलो हरि नाम बोलो। वृंदावन बिहारी लाल के गीता माता के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम गुणत्रय विभाग योग नाम। स्वामी जी लग रहा है कुछ आसपास कनेक्शन है। यस 14 अध्याय है गुणत्रय विभाग योग नाम और 17 अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम। अर्थात गुणों के अनुसार श्रद्धा होती है ये कनेक्शन में पता चलता है। ये हो गया पहला संबंध। दूसरा संबंध है 16 अध्याय में कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। भगवान ने क्लियरली कह दिया देखो शास्त्र ही प्रमाण है और शास्त्र को जानना चाहिए। तो श्योरली अर्जुन के मन में एक प्रश्न होगा कि ऐसे भी कोई व्यक्ति है जो श्रद्धा होने होगा उनके पास श्रद्धा है मगर शास्त्र की जानकार नहीं उनकी क्या गति होती। इसलिए अर्जुन के प्रश्न से 17 अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अभी अगेन श्रद्धा त्रय अर्जुन के प्रश्न है शुरू से ही श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा है और मगर शास्त्र का ज्ञान इतना नहीं है। कभी कभार सब कुछ जानते हैं पूजा आदि वो नहीं जानते। अभी देखो हम पूजा सिखा रहे हैं तो बहुत लोग
अरे इतना सब प्रोसीजर है, इतना सब विधि है, इतना सब व्यवस्था, हम तो अपना अपने तरफ से ऊट पटांग करते थे, कभी करते कभी नहीं करते थे, तो सब लोग करने लगे। सब लोग अभी गणेश पूजा में किया, बहुत लोग फोटो भेजा लिखा के प्रोसीजर से किया। फिर हमने तो डिवीजन बना दिया, इष्ट वाले अलग अलग इष्ट है, तो इसको बोलते शास्त्र को जानकर कर। और कुछ लोग शास्त्र के नहीं जानते, उनकी क्या गति होती, ये प्रश्न है। अब ये हम लोग डिवीजन रखेंगे छह प्रकार। उसके पहले ये जो 17 अध्याय है, श्रद्धात्रय 28 श्लोक है, इसमें एक एक श्लोक में श्लोक वाइज इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बता दें। जैसे मेन्यू होता है ना, मेन्यू हम लोगों का, जैसे रामनवमी होते हैं, शिवरात्रि होते हैं, और हर महीना हवन है, गुरुपाद का पूजा है, सुंदरकांड पाठ है। अभी ये प्रवचन के कारण सुंदरकांड पाठ का थोड़ा सा रह गया, तो हम लोग कुछ बोला स्वामी जी मेन्यू क्या होगा, पुष्पा मैम बोलेंगे स्वामी जी मेन्यू क्या करोगे ना, पूरी छोला और बताओ आप, है ना, हम दही वड़ा ले आएंगे, ठीक है ठीक है, और बस आश्रम में बना देते हैं, हलवा तो मीठा तो आएगा, इसको बोलते हैं मेन्यू, ठीक है। कुछ नहीं स्वामी जी, हमारे डॉक्टर शैली जी, स्वामी जी हम केवल प्रसाद ले, आप जो भी खर्च करना कर लो, आश्रम में बना लो, हम दे देंगे ना। तो आप सब्जी ले आए, ये सब अब बना नहीं, वो सब्जी है, तेल है, दाल है, वो बना नहीं, इसको कहते हैं रॉ मटेरियल, क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद जब खत्म होता है प्रोग्राम, रेडी होता है, अब हम आपको रॉ मटेरियल बताने वाले। अभी समझ में आया क्या क्या, देखो पहला नंबर श्लोक है अर्जुन का प्रश्न, ये रॉ मटेरियल। फिर हम क्या श्लोक है क्या है वो आपको पुरुष के बताएंगे बाद। सेकेंड नंबर में भगवान उत्तर दे रहे हैं, भगवान और प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे, जैसे प्रश्न है वैसा उत्तर देंगे। थर्ड नंबर में भगवान श्रद्धा के अनुसार मनुष्य का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा रॉ मटेरियल ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो श्रद्धा के अनुसार मनुष्य होता है, पावरफुल श्लोक है। हमारे जीवन में की प्रक्रिया, हमारे जीवन में यही चलता है, उसको देखेंगे। तीन हो गया, चार ये जो श्रद्धा तीन प्रकार है, सात्विक रजसिक तामसिक, उसके जो देवता भी अलग अलग होते हैं, प्रिसाइडिंग डेटी, विभिन्न उपाय में जो पूजा करते हैं उसके वर्णन है। पांच और छह में शास्त्र विरोध, घोर जप जो करते हैं उसके तपा, उसके बारे में वर्णन है, जपा तपा। पांच और छह, सात में भगवान क्या करते हैं, एक बहुत बढ़िया मेन्यू बताते हैं। ये देखो हम तीन 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 डिवीजन करा देते हैं, ये गुण के कारण और श्रद्धा के कारण। क्या खाना, खाद्य तीन प्रकार है, 15 अध्याय में खाद्य देखा था और वहां प्रकार नहीं देखा था, वहां खाने के किस प्रकार के खाते हैं, क्या है उसका गुण, क्या है उसका दोष, क्या है बताया था। अब ये खाद्य को तीन प्रकार के बताए, फिर तप, तप को छह प्रकार बताए, माने सात्विक राजसिक की दृष्टि से और शारीरिक वाचिक मानसिक, तो देखा जाए तप छह प्रकार हो। ये केवल बता रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कौन सा श्लोक में, छह नंबर, सात नंबर में, कि हम भेद बताएं। देन देखना 8, 9, 10 में तीन आहार बता रहे, अच्छा है, एक एक श्लोक के लिए एक एक बता रहे,
आठ नौ दस, आठ में सात्विक, नौ में राजसिक, दस में तमसिक। ग्यारह बारह तेरह में सात्विक राजसिक तमसिक यज्ञ होता रहे, यज्ञ सात्विक राजसिक तमसिक फिर यज्ञ हो गया। चौदह पंद्रह सोलह में शारीरिक वाचसिक और मानसिक तप बता रहे। सत्रह अठारह उन्नीस में सात्विक राजसिक तामसिक तप बताया। तो देखा जाए तप छह श्लोक में जो छह प्रकार है वो बताया गया। इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं, तपस्या ही इंपोर्टेंट, हमें तपस्या करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तपस्या। अब देखो भगवान के अंश स्वरूप उत्सव विग्रह उद्धव है। उद्धव कह रहे हैं मैं आपके पास रहना चाहता हूं, जहां जा रहे हैं आपके शरीर में भी चलूंगा। बोले नहीं नहीं तुम मेरा प्रचार करोगे, तुम मेरा भक्त हो, तुम मत जाना, तुम बद्रीनाथ चला जाओ। क्यों बद्रीनाथ भेज रहे, क्योंकि तपस्या कर, तपस्या। तो तपस्या के ही छह श्लोक चला गया। कहां तक गया हम लोग, उन्नीस तक। अब बीस इक्कीस बाईस तीन प्रकार के दान है। फिर तेईस में ओम तत्सत शब्द के महिमा वर्णन है, ओम तत्सत। चौबीस में ओम के बारे में वर्णन है, पच्चीस में तत् के बारे में वर्णन है, छब्बीस सत्ताईस में सत के बारे में वर्णन है। अच्छा ये बढ़िया है, ओम तत्सत। पहले क्या है, तेईस में ओम तत्सत, फिर छब्बीस में ओम, फिर पच्चीस में तत्, फिर छब्बीस सत्ताईस में सत। फिर कहते हैं जब श्रद्धा के बिना ये जो मनुष्य कहीं करता है कुछ फायदा नहीं होता, फिर घूम फिर करके अर्जुन का प्रश्न था श्रद्धा, तो ये सब मैंने बताया, मगर जो मेन पॉइंट है वो श्रद्धा जरूरत है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ कर रहा है वो निष्फल नहीं होता है। कह के भगवान ने क्या किया, समापन कर लिया। ये हो गया मेन्यू, अब हम एक एक आइटम देखेंगे, ठीक है, एक एक आइटम। अब डायरेक्ट अर्जुन का प्रश्न है, ठीक। प्रश्न में हमने बताया था कि अगर एक होता है टाइटल है इस अध्याय का श्रद्धा त्रय विभाग योग, तो पहले जो कनेक्शन है चौदह अध्याय से कनेक्टेड है, गुणत्रय विभाग योग, तो वहां गुणत्रय था, गुणों के अनुसार श्रद्धा होती। और दूसरा है डायरेक्ट कनेक्शन है सोलह अध्याय में लास्ट में अर्जुन ने भगवान ने कहा था ये शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र के विधि को छोड़ करके करता है। तो प्रश्न होगा शास्त्र का विधि को छोड़ना तब आएगा ना जब शास्त्र के बारे में जानता है, बहुत लोग शास्त्र के बारे में नहीं जानते तो विधि तो अपने आप छूट गई। तो अब देखो पूजा के बारे में छोटा सा दैनिक पूजा है, विधि नहीं जानते तो अपने आप ढंग से हो रहा, जितना जानते जो पसंद आता है ना। तो जो शास्त्र के विधि को छोड़ करके करता है, भगवान कहते हैं इसमें सोलह अध्याय लास्ट में, वो जो करता है उसके तेईस नंबर में काम कारतम अपने इच्छा अनुसार करता है, काम कारतम अपने इच्छा अनुसार करता है उसको कुछ नहीं मिलता। श्रद्धा इज ए शास्त्र विधि मेन पॉइंट है, इसलिए तुम शास्त्र का करो। अर्जुन को मौका मिल गया, अर्जुन को लगा प्रभु मैंने भी आपको याद है, मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक स्टाइल कर रहा हूं, भगवान आपको याद है। भगवान बोले क्या याद है, तेरे मेरे तो बहुत संबंध है, संपर्क कहीं घूमे कहीं सोए कहीं खाए, बताओ क्या याद है तुमको, क्या याद कराना है। मैंने तो बहुत कुछ याद कर मेरे पास है। हाँ षष्ठ अध्याय में मैंने एक प्रश्न पूछा था प्रभु, क्या कोई साधक साधना कर रहा है
उसके अंदर श्रद्धा है, प्रयत्न है। भगवान कहते हैं प्रभु, मैं उस श्लोक को आपको दोहराऊं ना कौन मना करता ना, प्रभु बोलो, प्रभु प्रभु क्यों बोल रहा है, फटाफट बोलो प्रभु। अप्राप्य योग संसिद्ध, तो मैंने ही प्रश्न पूछा था, कब पूछा था, षष्ठ अध्याय कितने नंबर श्लोक में, 37 श्लोक। ओ ऐसी बात है, देखा आप लोग एक्टिव हो, तुरंत किताब निकाल रहे, ऑनलाइन वाले कर क्या रहे हो देख लेना, हमारे ऑफलाइन में तो कर रहे हैं। तो षष्ठ अध्याय के 37 में कहा अयति, अर्थात यत्न नहीं कराया, जितना यत्न करना चाहिए, जितना परिश्रम करना चाहिए नहीं किया है, देखा, मगर श्रद्धा है। स्वामी जी हम लोगों ने षष्ठ अध्याय पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, हम तो याद ही नहीं रह रहे, पढ़ा याद नहीं रह रहे, क्यों, यत्न नहीं है। हाँ श्रद्धा तो है, बस यही हालत है। अर्जुन कह रहे हैं यत्न सीरियसली नहीं है, सिंसियरली नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं है, मगर श्रद्धा है, मर गया, योगाचरित मानस है, योग से भ्रष्ट हो गया, योग से अलग हो गया, मर भी गया, उसकी क्या गति होती है। फिर एग्जाम्पल खुद देते हैं अर्जुन, कहते मैं प्रभु एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे बादल, बादल आता है, लग रहा है कि अब बारिश होगी, मगर हवा के कारण इधर उधर हो जाता, छिन्न भ्रमिव नश्यति कच्छिन्न भय विप्रष्ट छिन्न अभ्रमिव वश्यति, अभ्रम बादल, ऐसे होता है क्या। भगवान कहते नहीं, बढ़िया सुंदर कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति, तुमको याद है ना, ना हाँ याद है, आपका उत्तर भी याद है, फिर वो उत्तर आते फिर क्यों प्रश्न पूछता है ना, वहां क्या है ना प्रभु, बोलो क्या है, वहां श्रद्धा है हाँ, और यहाँ भी श्रद्धा है, करेक्ट, वहां यत्न की कमी है और यहाँ साधना का शास्त्र का ज्ञान नहीं, ये जानना चाहते, समझ में, इसलिए जोड़ा, वहां यत्न की कमी है और वहां शास्त्र का ज्ञान है प्रभु, मैं मान के रखता, यत्न नहीं कर रहा, ढिलम ढिला है, एस्पिरेशन परस्पिरेशन कुछ भी नहीं है उसके पास, वो हालत। और आपने बता दिया था यस, नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति, उसका फॉरवर्ड होता है, क्या ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, भगवान कहते हैं बस ऐसे, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ उसकी गति क्या होती है, उसके जो, अच्छा वहां प्रभु जो क्वेश्चन था, वहां मनुष्य मरने के बाद, मरने के बारे में बताया, अभी मेरा नहीं मरने का, जीवित जीवित यहाँ इधर, ये फर्क, फर्क दोनों में श्रद्धा सेम फैक्टर है, मगर एक में यत्न कमी है वहां, और यहाँ पर यत्न के बारे में नहीं बताया, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वहां शास्त्र का ज्ञान है, और वहां मरने के बाद, या मरना नहीं या जीवित की अवस्था, ये मैं जानना चाहूं। पढ़ा हमने नंबर वन श्लोक पढ़ा, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि निसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमहो रजस्तमः कुछ लोग होते हैं जो शास्त्र विधि को त्याग करें, आपने भी कहा था, क्या बताया था कि जो शास्त्र विधि को त्याग, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, सेम 16 अध्याय के 23 नंबर श्लोक और अभी के अर्जुन का प्रश्न सेम है, अर्थात भगवान के प्रश्न प्रवचन को ठीक से सुन रहे हो, समझे, हम लोग मगर एक फायदा है क्या, अर्जुन सुन रहे हैं, इसीलिए अर्जुन सुनते सुनते एक रास्ता निकाल देते हैं, और हम लोग खड़े होंगे चलना शुरू करेंगे तो वही रास्ता, मगर उसमें खड़ा होना पड़ेगा,
खड़ा होना क्या है, प्रवचन सुन सत्संग। अगर खड़े हो गए तो अर्जुन का जो प्रश्न है, उत्तर है, डायलॉग है, चलता रहेगा। और जो सत्संग है जिस गुरु से सुनते हैं, वो आपको ऐसे ही आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। 16 अध्याय का 23 और 17 अध्याय का 1 समान है ये शास्त्र विधि मिश्रज्य, ठीक है। काम कारेण नहीं बताया, यहां पर जोड़ दिया अर्जुन ने, क्या अपने इच्छा अनुसार नहीं करता है, उसके अंदर श्रद्धा है, बढ़िया फैक्टर है वो श्रद्धा, उनकी क्या गति। क्योंकि आपने 16 अध्याय 23 में बता दिया उनको कोई गति नहीं मिलती है, और जो न सुखम न पराम गति, ना इस जन्म में सुख मिलता है ना परलोक में मिलता है। अभी मैं बता रहा हूं श्रद्धा है, श्रद्धा इज ए बिग फैक्टर, उनके लिए क्या गति। अर्जुन का बहुत सुंदर प्रश्न है, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे स्वामी जी, श्रद्धा क्या है, श्रद्धा को, श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है। विश्वास डाइल्यूटेड है, श्रद्धा कॉन्सेंट्रेटेड है। विश्वास जस्ट एक रखता है, मगर उसमें प्रेम प्लस विश्वास इज इक्वल टू श्रद्धा। विश्वास के साथ जब प्रेम आ जाता है तो श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा बनी के शब्द श्रद्धा अर्थात सत्य को धारण करने की जो शक्ति है वो श्रद्धा है। कितना सुंदर है, श्रद्धा के एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। एक गांव में, ये घटना सच्ची, एक गांव में एक रामलीला चल रही थी। उसके पहले एक लड़की, छोटी सी लड़की 10 साल की, उसको सन्निपात रोग हो गया, और डॉक्टर जो होम्योपैथिक वाले हैं जो भी है वो आकर के मना कर दे के अभी नहीं होगा, शायद 1 घंटा में मर जाएगा। मगर रामलीला वो हर साल जाती थी, देखती थी। उसको पता है कि रामलीला में एक गांव में एक प्रसंग जरूर होता है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी लेके आते हैं संजीवनी। तो वो आकर पतिदेव को कहा कि रामलीला हम लोग देखते थे कि चलो अभी लड़की को लेकर के, और वो जो नाटक में हनुमान जी जो लेके आ रहे हैं संजीवनी वही दोगे। अरे तुम बाबरी हो गई हो, पगली हो गई हो, वो तो नाटक है। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी ने कहा है कि मैं तुम्हारे गांव में जो आ रहा हूँ लेकर के वही डाली पत्ता तुम दे देना। आकर देखा, ड्रामा खत्म हुआ, तो वहां जाकर के पीछे से देखा कि नीम का पत्ता है। उसने आके कहा कि अरे नीम के डालिए ना, नो भी हो सन्निपात का और नीम के और परम शत्रु है। बोले नहीं, मुझे बताया आप मानो तो मेरे बात, क्या करे पत्नी की बात मान करके वो नीम डाली पत्ते ले आए, उसको पिसाया गया और उसका पानी दिया गया। कहा कहते हैं 1 घंटा में ठीक हो गई। डॉक्टर आए आश्चर्य हुए, नीम पत्ता और सन्निपात का तो, और नीम पत्ता से तो और बढ़ जाता, ये कैसे हुआ। केवल हनुमान के प्रति श्रद्धा उस माता जी कि मुझे हनुमान जी ने कहा है अभी इसी गांव में आ रहे हैं और जो छुए हुए हैं वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो गई, इसको कहते हैं श्रद्धा। अच्छा, अभी अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही कैटेगरी, एक है श्रद्धा है शास्त्र का ज्ञान नहीं। अब हम अलग अलग कैटेगरी का चिंतन करेंगे। क्या एक कैटेगरी अच्छा है, श्रद्धा भी है और शास्त्र का ज्ञान, अर्जुन खुश है उनके लिए कोई प्रश्न नहीं, और विधि पालन कर रहे हैं और शास्त्र का ज्ञान है और श्रद्धा है। सेकंड है, शास्त्र का विधि कभी कभी पालन करते हैं, सब पूरी तरह नहीं है, मगर श्रद्धा नहीं है,
अर्जुन का क्या यही कनेक्टेड है? नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, बताया ना। अर्जुन का श्रद्धा है, जहां श्रद्धा है उसको पकड़ना पड़ेगा। यहां पर क्या है, श्रद्धा नहीं है और विधि कभी कभार कर लेते, अंश थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते। सेकंड, थर्ड है, विधि विधान नहीं जानते मगर श्रद्धा है। अर्जुन ये वाला है, विधि विधान नहीं जानते हैं मगर श्रद्धा है। और जो इनके बारे में, थर्ड कैटेगरी बारे में प्रश्न पूछते हैं। और है, विधि विधान भी नहीं जानते हैं, श्रद्धा भी नहीं है, अरे उनके बारे में पूछो ही मत, वो पूरा तामसिक व्यक्ति। कितना कैटेगरी हो गया, कितना, पांच कैसे हो गए? विधि पालन है और शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान और विधि पालन एक साथ में जोड़ रहा हूं, और श्रद्धा है नंबर वन। शास्त्र के विधि कभी पालन करते हैं कभी नहीं पालन करते, आंशिक, और श्रद्धा नहीं है। सेकंड, थर्ड है, विधि का पालन नहीं है क्योंकि जानते नहीं है ना, मगर श्रद्धा है। इस कैटेगरी के लिए अर्जुन पूछ रहे। तीन, चौथा है, श्रद्धा भी नहीं है और विधि पालन भी नहीं, तो चार हुआ। अभी पांचवा है, शास्त्र का ज्ञान है मगर अवहेलना के कारण, ढीला ढीलम ढीला अवहेलन के कारण शास्त्र का विधि त्याग किया है, श्रद्धा थोड़ा थोड़ा है। छठा है, शास्त्र का ज्ञान है मगर पालन नहीं कर रहा, शास्त्र का ज्ञान है पालन नहीं कर रहा, ऐसे ही छठा। इस प्रकार के अलग अलग लोग। अब प्रश्न होगा, शास्त्र का जो विधि को त्याग करते हैं छूट जाता है, कैसे कैसे छूट जाता है? तीन कारण से। ये अभी टॉपिक हम सूक्ष्म आए, केवल एक ही टॉपिक, क्या शास्त्र के नीति नियम को छूटता कैसे, अपने जीवन में होता नहीं। फर्स्ट है अज्ञान, जानते नहीं, ज्ञान नहीं इसलिए। सेकंड है उपेक्षा, उपेक्षा का जरूरत नहीं उनके लिए, प्रायोरिटी नहीं हो, जानते हैं मगर प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी इज डिफरेंट। थर्ड है शास्त्र का विरोध करते, कौन कहा है शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था किसी ने कि मेरे पतिदेव का देहांत हुआ, श्राद्ध आजकल स्वामी जी पैकेज होता है, तो ब्राह्मण ने क्या क्या 50,000 का पैकेज ले लिया, उसमें लिस्ट लिखा है ऐसे। अब हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती, शास्त्र में है, मैंने देखो गरुड़ पुराण में आदि सब है, आपके श्रद्धा के अनुसार लिखा भी है कि आपके रुचि श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार देना है ना, वो खाट मंगा, पलंग मंगा, सोना मंगा, ये मंगा, वो मंगा, तो मंगा, अगर आप लग रहा है कि आप सामर्थ्यवान है देना, तो समझिए देने से होता क्या, देने से होता कि आपके अंतकरण में भावना थी कि मैंने दिया, नहीं हम इतना नहीं देना देना चाहते, ठीक है जितना देना चाहते उतना दो, और देना था पड़ेगा। द्वितीय था जो श्राद्ध का अर्थ क्या है, श्रद्धा के साथ जो किया जाता, और है आत्मा आपकी जो भी है कहीं ना कहीं है, आत्मा नष्ट नहीं होते, उनके लिए आप कर रहे हो, समझिए हम उनके लिए कर रहे हैं, मिलेगा क्या? अच्छा आपका बेटा अमेरिका में है और वो पैसा भेजना चाहता है आपका अकाउंट में, डाल दिया आ जाता है कि नहीं? हाँ, वो कैसे, ऐसे ही सिस्टम है, तो ऐसे ही सिस्टम है। उनका गोत्र प्रवर गोत्र आदि सब बोल के जब तीन पीढ़ियों का बोलते हैं तो मिलता हूं जहां भी जाते हैं। ये प्रमाण कैसा है बताता हूं, आप ट्रेन में गए, जल्दी बज में कुछ खाना पीना रखा नहीं था, सोचा जो भी हो रास्ते में खरीद लेंगे, मगर आप सात्विक आदमी,
प्याज इधर उधर सब नहीं खाते हो, और आपके स्वभाव के बातचीत हुई ट्रेन के को पैसेंजर से, वो खाना शुरू किया तो आपको, अरे भैया जी आप थोड़ा लो ना, ना ना लीजिए ना, अरे यहाँ प्याज नहीं होता है, वो आप तो धार्मिक होते हैं लगते हैं, आप लीजिए, अब देखो कैसे मिला आपको, क्योंकि आपने कुछ अच्छा काम किया था, वो जो अच्छा काम का जो फल है वो आपके नाम पर डिपॉजिट था, बस यही मिला। तो इसलिए जो हम श्राद्ध करते हैं, दान देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा पुण्य हमें हमको ही दे देता है अलग अलग परिस्थिति। ठीक है, तो ये अलग वेराइटी श्लोक है अर्जुन के मन में है ये वेराइटी श्लोक, मगर प्रश्न शॉर्ट एक ही किया भगवान, मगर पता है कि ये एक ही प्रश्न से नहीं होता है, अलग अलग वेराइटी श्लोक होगा, इसलिए मैं उसी के अनुसार उत्तर दूंगा। भगवान शुरू करते हैं, फर्स्ट कहते हैं श्रद्धा क्या है। श्रद्धा जो शास्त्र श्रद्धा स्वभाव वजह होती है, श्रद्धा अपने अंदर से आती है, और यह श्रद्धा तीन प्रकार है गुणों के अनुसार, जैसे तीन गुण है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, इसी प्रकार गुणों के अनुसार श्रद्धा आती है, जान लो। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवते श्रद्धा, देहिनां स्वास्वभावजा सात्विके राजसे चैव तामसे चेति तां शृणु। तीन प्रकार के श्रद्धा होती है, श्रद्धा अपने मन का एक गुण है, जब मनुष्य के अंदर श्रद्धा होती है तो ये जो शरीर जीवन धन वो तुच्छ लगता है, जयदेव के बारे में, जयदेव पत्नी के बारे में एक कथा है, जयदेव कौन है, एक उड़ीसा के श्रेष्ठ कवि थे, गीत गोविंद लिखा था उन्होंने, जो गीत गोविंद जगन्नाथ मंदिर में भी गाया जाता है, और कहते हैं उनको थोड़ा लिखने में एक दो शब्द संकोच होता था, तो खुद भगवान कृष्ण जयदेव बनकर के आए के लिख दिया उसको। जयदेव स्नान करने के लिए गए तो जल्दी वापस आ गए, पत्नी ने पूछा कि आप जल्दी आ गए, नहीं नहीं वो जो श्लोक लिख रहा था ना याद आ गई इसलिए वो लिख के जाऊं, तो भगवान कृष्ण जयदेव के रूप में आके लिख करके चले गए। अब इधर जयदेव आ रहे मुंह फुला करके सुखा करके, क्या हुआ आपका, आप तो बीच में आके लिख के गए, कहा वो श्लोक मेरा छंद पूर्ण ही नहीं हो रहा, पूर्ण आप ही तो आए थे अभी, आप लिख के गए तो दौड़ के गए, कौन सचमुच लिखा हुआ है, बोले मैं तो उसी मन में मेरा है कि होने क्यों नहीं रहा है छंद, तो पता चला कि भगवान आए, भगवान मेरा रूप लेकर आए, कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो, भाग्यवती हो, भगवान तुमने जिसको मेरे रूप में देखा वो भगवान है, ऐसी श्रद्धा। तो नाम फैल गया दोनों के, पद्मावती रानी थी उस समय उड़ीसा के जो गजपति पुरी के,
उसमें पद्मावती रानी सुना कि जयदेव के जो पत्नी बहुत श्रद्धा रखती है अपने पति के ऊपर और भगवान के ऊपर, यहां तक तो कहती है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं शरीर ही धारण नहीं करूं, जरूरत नहीं, बहुत श्रद्धा है भगवान। और जयदेव के अंदर भी इतना श्रद्धा है कि भगवान आते हैं, रानी को लगा कि थोड़ा परीक्षा करो सखियों को लेकर के गए उनके पास, बातें हो रही है। और सैनिक खबर दिया था बीच में, तुम आकर के बता देना कि जयदेव मारे गए। तो राजा के साथ जयदेव गए थे किसी आक्रमण करने के लिए, बीच बीच में राजा लोगों को रात में शांत होकर बैठना है तो ये थोड़ा कविता कथा सुनाते थे, ये खबर दे दिया, तुरंत शरीर चला गया, माने एक सेकंड में गिर गई। अब ये डर गई कि अरे बड़ा मुश्किल हो गया, मुझे इतना सीरियस एग्जामिनेशन लेना नहीं चाहिए, अब कोई जानता नहीं है, कोई ऑपरेशन करेगा और देखा कि हार्ट बीट है बंद हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे खामखा मैंने ऑपरेशन कर दिया तो हार्ट बीट बंद हो गया, फिर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो चिंता मत करो, है ना, वो बड़े एक्सपर्ट वो जानते हैं, तो इसी के कारण बंद हुआ था, क्यों तुमने इसको खोल दिया था, लगाओ ये सब पाइप ही तो होता है टक। तो उडर गई, अब खबर दे दो जयदेव, जयदेव आए, जयदेव क्या चिंता मत करो, भगवान का नाम लिया, भगवान नाम लिया इतना तल्लीन के भाव में, और जयदेव ने अपने पत्नी को बुलाया, क्या हो भगवान की पूजा कौन करेंगे, फूल कौन लाएगा, सचमुच उठ गई, इसको कहते श्रद्धा, है ना। तो श्रद्धा तीन प्रकार है, कौन से ना, सात्विक राजसिक सात्विक। अच्छा जो श्रद्धा शब्द है वो तो खुद सात्विक है ना, फिर तीन प्रकार के विभाग कैसे कर दिया ना। हा श्रद्धा अपने आप में सात्विक है, मगर मन, क्योंकि मन जैसे सात्विक है, मन खुद अंतकरण मन से बनाया, इसलिए उसके अंदर जो ओरिजिनलिटी सात्विक, जैसे सब्जी एज इट इज सब्जी बढ़िया है, और उसको अगर तेल मसाला देके खराब कर दोगे तो गया वो, टेस्ट का भी अपनी सीमा है, उसको देखो वो माने क्या है ना, कश्मीर को अच्छा लगता है और मध्य प्रदेश को भी मुश्किल है और केरल को तो और भी बढ़िया खराब है, तो समझे कि नहीं, और खाए जीव के लिए अच्छा है, पेट के लिए भी खराब, फिर नीचे वाला के लिए और भी खराब। तो इस प्रकार के जो रॉ मेटेरियल अच्छा हो और उसके लिए गुण अगर खराब है, राजसिक तामसिक, श्रद्धा भी ऐसे हो जाती। भगवान कहते हैं देखो मैंने सात्विक राजसिक तामसिक की जो डिवीजन किया है, हाँ वो स्वभाव वजह है अपनी श्रद्धा, याद रखना स्वभाव वजह माने क्या, स्वभाव से आता है, स्वभाव माने क्या है, अपनी पूर्व जन्म के धर्म कर्म के अनुष्ठान जनित संस्कार से उत्पन्न होती है, अपने पूर्व के कनेक्शन स्वभाव से लेकर के वो आया श्रद्धा। अनेक प्रकार के श्रद्धा होती है, शास्त्र जा श्रद्धा, श्रवण जा श्रद्धा, श्रवण जा माने श्रवण से उत्पन्न, शास्त्र से उत्पन्न, कर्म जा श्रद्धा, कर्म से उत्पन्न, और सब उसका सोर्स क्या है ना, सोर्स है स्वभाव जा। अब भगवान कहते हैं श्रद्धा मन के अनुसार होता है, जैसे मन है वैसे ही श्रद्धा है, भगवान तीन नंबर श्लोक में कहते हैं मन के अनुसार श्रद्धा होती है। सत्वान रूप सर्व
तस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत्श्रद्धा स एव सः मन के अनुसार श्रद्धा होती है। मन अगर सात्विक होगा तो श्रद्धा थोड़ा बोलो तो ये लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन सब आप तो खोलते नहीं है और बोलो बोलो बोलते हो और हम आंसर कैसे देंगे। वो जो कल मैंने बताया था ना आपको बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय तो जय आपने थोड़ा सा किया था फिर बोला तो एक ने तुरंत लिखा उसमें वी आर म्यूटेड हाउ कैन यू डू जय कौन बोला पता है उज्जैनी उज्जैनी मालूम है ना डॉक्टर शैली उज्जैन जो आई थी उसने लिखा वी आर म्यूटेड एंड हाउ यू कैन डू जय। आपको उनके लिए भी आपको भी करना पड़ेगा ये जय के लिए मैं थोड़ी अनम्यूट करूंगा क्योंकि हैरान तो मैं हूंगा। तो सत्व गुण होने से श्रद्धा क्या होती है आप पूरा सात्विक हो गए ना निर्विकार हो गए। सत्व गुण से होने से श्रद्धा सात्विक की रजोगुण होने से श्रद्धा राजसी तमोगुण होने से श्रद्धा इसलिए कहते हैं सत्वानुरूप। सत्व माने यहाँ पर मन है सत्व माने यहाँ पर सत्व गुण नहीं है मन के अनुरूप। स्वामी जी हाँ सत्व क्यों बताया फिर सत्व का अर्थ यह है मन सत्व गुण से उत्पन्न होगा जब मन के अंतकरण बताएंगे तब इसीलिए। अच्छा मन के अनुसार हुआ कैसे बता रहा हूं एक पात्र में पानी है ठीक है पानी ठंडा है क्योंकि पात्र भी जनरल है जो उसको बोलते हैं क्या नॉर्मल एटमॉस्फेयर। अब पात्र को गर्म किया तो पात्र गर्म होने के कारण पानी क्या हो गया बोलो गर्म। बस मन अगर सात्विक है श्रद्धा सात्विक मन अगर राजसिक है श्रद्धा राजसिक मन अगर तामसिक है श्रद्धा। आप ओनली नींबू पानी पीने वाले और शराब के दुकान में आपका अपना नींबू पानी पी रहे हो उस समय कोई आया क्या बोलेगा पूरा टोटल सीसीटीवी नहीं देखा टोटल देखेगा कि आप अपना बैग से निकाला ये किया वो किया नहीं देखा बीच में कि तुम शराब पीने लगे हो हंसने लगे हंसते हो पीते हो और हंसते हो भाई मैं बैठा हूं क्योंकि ड्राइवर बैठा है दूसरा भी बैठा है और मैं अपना नींबू पानी पी रहा हूं। तो देखो स्थान के कारण आक्षेप कैसे हो जाता है मन के कारण श्रद्धा भी बदल जाते यही कहना है एग्जाम्पल्स ठीक है। तो ये बात अब आगे बता रहे हैं श्रद्धा के अनुसार सब कुछ होता है। श्रद्धा का नाम पांच स्थान है एक है स्वीकृति दूसरा है विश्वास तीसरा है संबंध चौथा है स्मृति और पांचवा है प्रीति। स्वीकृति ये स्वीकृति में रहती है श्रद्धा का स्थल कहाँ कहाँ रहते हैं स्वीकृति जहां स्वीकृति होती है ना वहां श्रद्धा रहती है। विश्वास के कारण ही श्रद्धा विश्वास ही कन्वर्ट हो जाता है श्रद्धा में। तीसरा है संबंध से श्रद्धा बढ़ जाता है आप बार बार सत्संग आओगे तो शास्त्र के प्रति संबंध हो गया गुरु के प्रति संबंध हो गया तो श्रद्धा बढ़ जाएगी संबंध। स्मृति आपके पूर्व जन्म के और पूर्व के जो अनुभूति है स्मृति उसी से भी श्रद्धा बढ़ती है और जितना प्यार करोगे जितना प्रेम करोगे जितना कनेक्ट रखोगे प्रेम प्रीति श्रद्धा का स्थल बन जाता है। पांच हो गया क्या क्या स्वीकृति
विश्वास, संबंध, स्मृति और प्रीति, ये है सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुष, याद रखना ये जो पुरुष है ना श्रद्धा के अनुसार होता है, जैसे जैसे श्रद्धा वैसे वैसे। श्रद्धा सैव स, स्वामी विवेकानंद कहते हैं इज द मेन थिंग इज हिज फेथ, ही इज सो ही इज। मन जैसे मनुष्य सोचता है, जैसे मनुष्य का विचार है वैसे ही, बाइबल में उसी ढंग का ही है, एज ए मैन थिंकर इन हिज हार्ट सो इज ही, ये बाइबल का। मनुष्य जैसे अपने दिल में सोचता है वैसे ही बनता है, ये बताया गया है। तो इसलिए श्रद्धा के अनुसार होता है, वो याद रखना। अब मैं बता रहा है कहानी महाभारत के, जाजली करके एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, पता नहीं चला उनके जटे में घोंसला बना दिया है पक्षी, और जब खोला आंखें तो जटे में घोंसला, तो उनको लगा और थोड़ा गुस्से में देखा वो पक्षी जल गए, खुश हो गए वो, महाभारत की कथा, खुश हो गए वो, और आगे अभी हो गया मेरे तपस्या सिद्धि। गांव आए, गांव में एक ब्राह्मणी के घर आकर के भगवती भिक्षाम दी, थोड़ी देरी हो गई, तो गुस्से में आए तो पत्नी ने कहा मत समझिए कि मैं कोई पक्षी हूं जल जाऊंगी, मैं अपने पति देव जिनको कुष्ठ रोग हुआ उनकी सेवा कर रही थी, छोड़ करके मैं बीच बीच में नहीं आ सकते, माफ करें तो दे जाओ। मगर माते मैं सचमुच गुस्से में था, और आपने जो बताया कि मैं पक्षी नहीं हूं, आपको कैसे पता चला कि मैंने आज जला दिया ना, मैं जो अपना स्वधर्म कर रही हूं ना इसी से मुझे पता है आपने क्या किया, ये कैसे है ये मुझे थोड़ा बता सकते हैं। देखिए माफ करें मेरे पास टाइम नहीं है। तुलाधार करके इसी गांव में एक मांस बेचने वाले आदमी है, आप उनके पास जाइए। क्या आप मुझे मांस बेचने वाले आदमी के पास भेज रहे हैं? देखिए और मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, चले गए। गजब है, मैं जंगल में था, अच्छा है ये सब चल रहा, और मैं अपने आप को सोच रहा हूँ मैं तपस्वी, ये पत्नी ये एक स्त्री जान लेती, और भेज कहाँ रही है एक मांस बेचने वाले के पास। वे खड़े बहुत भीड़ है, मांस काट रहा है करें। हाँ हाँ वो माता जी ने भेजा है ना, थोड़ा सा ठहरिए, इन लोगों को मैं समापन करता हूँ। ये तो बात कमाल है, ना मोबाइल है इन लोगों के पास, ना कोई SMS है, ये कैसे पता चल रहा है, और मैंने जंगल में जो किया है इसको पता, और इसने मुझे भेजा है इसको पता, क्या बात मामला। ये सब खत्म हो गया, नजदीक आया और कहा कि ये मुझे बताइए, मैंने जो पक्षी को जला डाला ये ऊपर माता को कैसे पता चला, और माता ने मुझे भेजा आपको कैसे पता चला। कहा कि आप जो जंगल में तपस्या करके जो सिद्धि प्राप्त किए, हम दोनों गृहस्थ कर्म में रहकर भी वही सिद्धि प्राप्त, वरम तो हमारे जो श्रद्धा है सात्विक श्रद्धा है, और आपके अंदर जो है राजसिक श्रद्धा है। तो उन्होंने उनको गुरु माना और फिर तपस्या करने के लिए गए जिसमें सात्विक श्रद्धा उत्पन्न, तो ये सात्विक श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, अब है राजसिक के बारे में बताते हैं। यजन्ते सात्विका देवा, यक्ष रक्षांसि राजसा, प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनाः। तीन प्रकार के लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं,
उपासना करते हैं, सात्विक लोग सात्विक देवता को, राजसिक लोग राजसिक को, तामसिक लोग तामसिक को, कौन कौन बता रहे हैं देखिए। सात्विक लोग देवताओं को पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षस को पूजा करते हैं। ये यक्ष राक्षस को पूजा करने से उनको बहुत कुछ मिल जाता है, हो गया। और तामसिक लोग प्रेत भूत गण को पूजा करते हैं। गंगा के एक भक्त थे, सात्विक के बारे में बता रहा हूं, गंगा के एक भक्त थे। ये सही घटना है, 1000 सन के आसपास बिहार उत्तर प्रदेश जहां पर गंगा किनारे है वो रोज जाते थे। गांव में उनका नाम हुआ, उनके जो पुजारी है ना वो मगर चिढ़ता था, क्योंकि ये भक्त थे, पूजा करते थे, बहुत सेवा करते थे, दान देते थे, इसको जितना मिलना मिलता था मगर ये और चाहता था, लोभी था, सोचा कि मैं इनको मार दूं, जब इनको मार दूं तो बहुत धन हो जाएगा, मैं ले लूं। कभी कभी यही सब घटना होती, मुंबई दिल्ली बड़े बड़े जो शहर में फ्लैट में जो डुप्लेक्स में फार्म हाउस जैसा लोग करके रहते हैं, और बेटे कहाँ है फॉरेन में, बेटी कहाँ है फॉरेन में, आपका अकेले, और सर्वेंट क्वार्टर में रखना भी पड़ेगा, जितने बुजुर्ग हो जाते हैं सब डिपेंड होते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते तो ड्राइवर रहेगा, बगीचा बनाया तो बाग रहे माली रहेगा, खाना बनाने के लिए कोई औरत रहेंगे, ये सब जरूरत पड़ता है। तो अभी अभी कुछ दिन घटना है दिल्ली के आसपास में, नोएडा या अलग अलग जगह पर सब फार्म हाउस छोटा छोटा है, और आप दूसरे से कनेक्शन नहीं कर सकते, आपके बगीचा अपना है, बस ये लोग क्या कर दिया, मार दिया रात में। कभी दोनों रहते हैं, कभी अकेले रहते हैं, कोई पत्नी है कोई पति है, मुश्किल हो जाता। तो वो जो भक्त इसे सोच रहा था इसको मारने के लिए, अब गंगा जा करके ये रोज स्नान करते थे, उसी दिन ही गंगा देवी प्रकट हो गई, बड़ा इंटरेस्टिंग, और कहा तुम आज से भोजन त्याग करो 1 महीना तक, और क्योंकि तुम भोजन नहीं करोगे इसलिए तुम्हारे जो पुजारी है उसको 1 महीने का छुट्टी दे दो, क्योंकि वो गांव से आया है, अब वो उनके देवी ने इसे कहा वो आ गए, और ये इंतजार कर रहा है किधर, भोजन देने के लिए, भोजन दूंगा मरेगा सब सामान लेके गांव भागूंगा। अब इन्होंने कहा कि आप बाबा आप भोजन नहीं करोगे, ना 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 आज मैं भोजन नहीं करूंगा। उनको लगा ये भोजन नहीं करेगा तो फिर कैसे मरेगा, भोजन करेगा तो मरेगा, तो क्यों नहीं भोजन करेंगे, नहीं नहीं गंगा देवी ने कहा है तुम उपवास करो व्रत करो 1 महीना के लिए। उन्होंने सोचा बड़ा गड़बड़ हो गया मम्माला, आज का भोजन नहीं करेगा फिर 1 महीना तक नहीं करेगा, फिर मेरे लड़की की शादी है वो है, और कहा कि तुमको 1 महीना की छुट्टी देने के लिए कहा। तब वो डर गया कि इनको बचाने के लिए तो खुद देवी है, तब वो प्रणाम किया और कहा माफ करे मैं ऐसे ऐसे सोचा था, चिंता मत करो देवी ही बचा देते। तब वो परम भक्त हो गया और उसने कहा कि मेरे बेटी की शादी लो, तुमको बताना चाहिए था, ले लो पैसा जितना लेना है जाओ, मैं ध्यान में रहता हूँ। तो देखो जो सात्विक भक्त है उनके लिए सात्विक देवता आकर के करते हैं। विद्यानंद जी गिरी, विद्यानंद जब गृहस्थ थे उन्होंने गायत्री माँ का उपासना की थी, कुछ पैसा धन जरूरत था, सन्यासी बन गए। तब एक दिन गायत्री माँ आई, कहे बेटा कुछ मांग लो, मैंने तो बुलाया नहीं, तुमने बुलाया था 20 साल पहले। बोलते 20 साल पहले मैंने बुलाया था और अब तुम आ रहे हो, क्या करें, ब्रॉड फॉरवर्ड अभी हुआ, तेरी फॉरवर्ड तुम्हारा जो पुण्य का फल है अभी हुआ, मांगो ना। उस समय मुझे धन की जरूरत था, अब तो मैं सन्यासी बन गया, अब जरूरत नहीं, ना ना मैं आई हूं, मांगो। तो नहीं मां,
कोई जरूरत नहीं, बस आपकी भक्ति रहे यही चाहती हूँ। हरिओम। सोचो सात्विक देवा ऐसे देवता को रजस लोग क्या करते हैं, यक्ष रक्षांसि। एक अर्जुन मालिक था, वो यक्ष की पूजा किया और यक्ष की पूजा करके उसको बहुत शक्ति आ गई और वो सबको मारने लगा, बड़ा हैरान हो गया। तब एक महावीर के सत्संग करने वाले हैं, उनका नाम है सुदर्शन, वो आए और उन्होंने उसको टच किया तो यक्ष राक्षस चला गया। तो सात्विक से ना राजसिक जो यक्ष राक्षस निकल जाते। मधुसूदन सरस्वती एक दिन सोचा कि मैं सत्संग माने प्रेत विद्या करूं, तो एक श्मशान गए एक गुरु के पास, बोले कि मैं प्रेत विद्या करूंगा। ठीक है चलो, एक दिन दो दिन प्रेत विद्या के लिए वो फूल चाहिए, लाल फूल, धागा, वो सिंदूर, वो क्या क्या सब सामान चाहिए। रात 12 जग बोला उन्होंने, यज्ञ क्या, हवन क्या, ओम चामुंडाई भूत काले कंचन करके देखा कि कोई आ नहीं रहा। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो कहते एक काम करते हैं तुम बताओ, कल तुम्हारे कारण से कुछ गड़बड़ हो रहा है तुम बताओ। तो फिर वो बुलाया अकेले, तुरंत आ गया, डांटा उसको 4 दिन 5 दिन से ना, आप इतना बड़े सन्यासी को ले आए उनके सामने हम रह नहीं सकते, हम आएंगे कैसे। इसलिए वो तो इतना वैरागी है और भगवान कृष्ण के भक्त है, उनके सामने हमारा अस्तित्व तो नहीं है। तब कहा कि बेटा तुम्हारे लिए वो जरूरत नहीं है, वो मना ही कर दिया, इसको बोलते हैं। और प्रेतान भूतगणाश्चन्य यजन्ते तामसा जना, जो तामसी व्यक्ति और प्रेत को पूजा करते हैं। अब आगे श्लोक में कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो तामसिक राजसिक होते हैं ना, वो जो व्यक्ति कैसे, तुमने प्रश्न पूछा था ना अशास्त्र, शास्त्र का त्याग करके, अब मैं उनके बारे में बता रहा हूं। एक कैटेगरी है शास्त्र का भी त्याग किया और श्रद्धा भी नहीं, बताया था ना एक कैटेगरी, वो कैटेगरी 5 नंबर है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्बाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अर्जुन, मैंने 16 अध्याय में असुर संपत्ति वालों के बारे में बताया था, देखो यही है, दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। वो लोग तपस्या करते हैं अशास्त्र विहितम घोरम, घोर तपस्या करते हैं, तप्यन्ते ऐसे, मगर उनके अंदर कोई क्या है, सात्विक श्रद्धा नहीं है, वो तामसिक बल है। और वो क्या करते हैं, उनकी उनके अंदर भावना क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी चिंताधारा क्या है, वो हम कल बताएंगे कि उनके बारे में क्या चिंताधारा है।